नए वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। दुर्गा शर्म कर। काहे की शर्म करूं? किसी के बाग से अमरूद चुरा के खाया है या किसी के खेत से गन्ना? अरे गन्ने से बड़ा तो तेरा कद हो गया है। पहले अपने को देख और फिर इन बच्चों को। इतनी बड़ी घोड़ी हो गई है और अभी तक बच्चों के संग खेलती है। अरे चाचा वो मेरी माँ है ना, उसने मुझको गीले आटे की तरह खींच खींच कर लंबा कर दिया और घोड़ी बना दिया। वरना अभी मेरी उम्र क्या है, मैं अभी तक बकरी का बच्चा हूँ। क्या हूँ बच्चों? बकरी का बच्चा। देखो चाचा, अगर आपने दोबारा हमारी दीदी को घोड़ी कहा ना, तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा। अरे चुप, मूंगफली के दाने जितना तेरा कद और ताड़ के झाड़ जैसी तेरी अकड़। छोड़ दो ना चाचा, हमें खेलने दो। खेलो, तू नहीं सुधरेगी, तू नहीं सुधरेगी। आप भी नहीं सुधरेंगे। चल चल। दुर्गा, दुर्गा, ठाकुर के आदमी बाबा और भैया को मार रहे हैं।
बेटे को मत मारो, मेरे बेटे को मत मारो। मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूँ आज के बाद कुछ नहीं करेगा, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ूंगा। बाबा इन कुत्तों के आगे हाथ मत जोड़ो बाबा। राम साधे शहर से चार किताबें पढ़ करके आ गया, मुंह में चार गज की जुबान आ गई। हमारे ठाकुर को कानून सिखाता है। एक न एक दिन तुम्हारे ठाकुर को हम पर किए हुए हर अत्याचार का जवाब देना होगा। मैं देता हूँ तुझे जवाब। कमीनो कुत्तो, अब तुम शरीफों पर भी हाथ उड़ाने लग गए, आज मैं तुम्हारे हाथ तोड़ दूंगी। देख दुर्गा देख। अरे जा भूतनी के, तू क्या दिखाएगा मुझे, मैं दिखाती हूँ तुझे। कुंदन भैया तुम तो जानते हो इस गांव में धर्मपाल जैसे शैतान का सिक्का चलता है, उसके खिलाफ आवाज उठाना अपनी मौत को आवाज देना है। मगर दुर्गा बहन इनकलाब लाने के लिए किसी ना किसी को तो आवाज उठानी पड़ेगी ना। मगर इनकलाब की आवाज वहाँ उठाना चाहिए जहाँ जिंदा लोग रहते हैं, ये तो मुर्दों की बस्ती है और मुर्दों के सामने चिल्लाने से इनकलाब नहीं आने वाला है। चल चल घर चल चल। चलो बेटा। वाह ठाकुर धर्मपाल ने क्या शेर पाल रखे हैं जो चार चार मिलकर एक अकेली लड़की से पिट कर चले आए। अगर तुम जैसे वफादार हो तो फिर मुझे गद्दारों की क्या जरूरत है, मेरी बर्बादी के लिए तुम अकेले ही काफी हो। बाकी के लोग कहाँ हैं? मैं पूछता हूँ बाकी के लोग कहाँ हैं? वो बाहर है सर। उनको अंदर आते हुए शर्म आ रही है? तुम यहाँ क्या करने आए हो? सरकार अगर आपका हुक्म हो तो दुर्गा को उठवा ले। दुर्गा का इंतजाम बाद में कर लेंगे, पहले सरिया के बेटे को ठिकाने लगाना बहुत जरूरी है। ठाकुर साहब किसको ठिकाने लगाने की बात सोच रहे हैं? क्या बताऊं इंस्पेक्टर साहब, मैं ठाकुर धर्मपाल जो बरसों से जानवरों की इस बस्ती में धर्म को पाल रहा हूं, आज मुझ जैसे आदमी को एक मामूली दो कौड़ी के इंसान के सामने सर झुका के रहना पड़ेगा? आपकी शान में गुस्ताखी करने की हिम्मत किसने की? वही हरिया का बेटा, क्या नाम है उसका? जी कुंदन। कुंदन वो शहर से बेहुदा पढ़ाई जो करके आ गया है। क्या किया है उसने? उसने हमारे खानदान के खिलाफ आवाज उठाने की कोशिश की है। वो भूल गया कि ये गांव, इसकी जमीन, यहाँ का पानी, यहाँ की हवा, सब कुछ हमारे बुजुर्गों का दिया हुआ है। मुद्दतों से ये होता आया है कि लोग हमारे यहाँ काम करते हैं, हम उन्हें प्यार देते हैं, फिर तनख्वाह देने की क्या जरूरत है? वो हमारी जमीन पे जिंदा रहते हैं, किराए के बदले हमारे यहाँ काम करते हैं, लेकिन आज उस हरामखोर ने हमारे खिलाफ आवाज उठाई है, मजदूरों को बहकाना शुरू कर दिया है। हुजूर आप हुक्म दें तो मैं उस हरामजादे को दफा 302 में गिरफ्तार कर लेता हूँ। केस बनाना मेरा काम है, मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि वो हमेशा हमेशा के लिए आपके रास्ते से हट जाए। सरकार मेरा ख्याल है कि आज उसे बहुत अच्छी तरह सबक मिल गया है। दो एक दिनों की बात है, छुट्टियां खत्म हो जाएंगी और वो चला जाएगा। मैं समझता हूँ हुजूर कि इस बात को आगे ना बढ़ाएं तो ज्यादा बेहतर होगा। मुंशी जी हमारे आदमियों की जो पिटाई है उसका क्या होगा? आपके आदमियों की पिटाई किसने की? बंजारा की बेटी दुर्गा ने। दुर्गा ने? वो शायद अपने बाप का अंजाम भूल गई है। वो भूल गई कि उसका बाप आज तक हमारी वजह से जेल में सड़ रहा है। वैसे बंजारा की सजा खत्म होने में और कितने दिन बाकी हैं? सिर्फ 2 महीने। लेकिन आप फिक्र ना करें, वो जैसे ही जेल से बाहर आएगा मैं एक दूसरा केस बनाकर उसे फिर से अंदर कर दूंगा। बाबा क्यों? हाँ, मैं अरे मेरे बच्चों, तुम लोगों को देखने के लिए तो मेरी आंखें तरस गई थी। लेकिन आपकी सजा पूरी होने में कुछ दिन। मैं जेल से भाग आया हूँ। भाग आए? लेकिन क्यों? अभी सजा पूरी होने में सिर्फ 2 महीने तो बाकी थे, अगर पुलिस ने फिर से पकड़ लिया तो? अब मुझे कोई नहीं पकड़ सकता, मैं तुम लोगों को लेने के लिए आया हूँ। चलो कहाँ ले जाएंगे हमें? जहाँ मैं रहूंगा। मैंने फैसला कर लिया है कि धर्मपाल को मैं चैन की जिंदगी जीने नहीं दूंगा। हो सकता है कि धर्मपाल के आदमी और पुलिस पीछे से तुम लोगों को परेशान करे, इसलिए तुम लोग अब मेरे साथ रहोगे। चलो बाबा, मैं और माँ कहीं भी रह लेंगे, मगर इन छोटे छोटे मासूम बच्चों का सोचा तुमने? ये लोग कहाँ भटकते रहेंगे, जंगलों में, पहाड़ों में? नहीं बाबा नहीं, सजा के कुछ ही दिन तो बाकी रहेंगे, वो काट लो तो। नहीं, जब तक मुझे ये मालूम नहीं था कि धर्मपाल ने मुझे सजा दिलवाई है मैं चुपचाप सजा काटता रहा, लेकिन जब संतों ने मुझे जेल में ये बताया
कि मुझे सजा दिलाने के पीछे धर्मपाल का हाथ था तो मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सका कि बेगुनाह होते हुए भी मैं जेल की सलाखों के पीछे सड़ता रहूं और तुम लोग अनाथ बनकर इस तरह जिंदगी बिताते रहो। पिछले 6 महीने मैंने जेल में किस तरह काटे हैं ये मैं ही जानता हूं। और अब जब तक मैं धर्मपाल से अपनी जिल्लत का बदला नहीं ले लूंगा चैन से नहीं बैठूंगा। नहीं बाबा नहीं, ऐसा करने से कानून की नजरों में तुम और भी गुनहगार हो जाओगे। धर्मपाल को उसके किए की सजा कानून देगा। कानून? कानून सिर्फ अमीरों के लिए होता है बेटी। गरीबों को इंसाफ देते वक्त वो आंखों पर पट्टी बांध लेता है, इसलिए धर्मपाल को सजा सिर्फ मैं दूंगा। चलो निकल। नहीं बाबा, जिस रास्ते पर तुम हमें ले जाना चाहते हो वो रास्ता तबाही की तरफ जाता है। मेरी बात मान लो बाबा और लौट जाओ। अपने आप को पुलिस के हवाले कर दो। बंजारा, नहीं जल्दी करो। मेरी बात मान लो बेटी, जिद ना करो, अब भी वक्त निकल चलो। नहीं बाबा, मैं इन बच्चों की जिंदगी खराब नहीं होने दूंगी। मुझे तुम पर नाज है बेटी। अरे बंजारों की बेटियां भी बेटों जैसी होती हैं। अच्छा मैं चलता हूं, कभी ना कभी मिलने आता रहूंगा और जैसे ही बंदोबस्त हो गया रुपए भिजवा दूंगा। नहीं बाबा, हम मेहनत मजदूरी कर लेंगे मगर पाप की कमाई नहीं चाहिए। रो मत माँ, सब ठीक हो जाएगा माँ। अब तक इसी उम्मीद पर जी रही थी कि तेरे बाबा वापस लौटेंगे तो इस घर की सारी खुशियां फिर से आ जाएंगी, मगर अब वो सहारा भी जाता रहा। तो क्या हुआ, मैं हूं ना। बाबा ने हम लोगों को बचपन में जो हुनर सिखाया था बस अब वही काम आएगा। क्या मतलब, तू तो सड़कों पर तमाशा करेगी? हाँ। तेरा बेटा आ गया है। मेरा बेटा आ गया। कहाँ है? मैं हूँ तेरा बेटा। नहीं, तू नहीं है मेरा बेटा। क्यों चाची को सताते हो? दुर्गा, दुर्गा हम कहाँ सताते हैं, ये सारे गांव को सता दिए। इसे पागल खाने भेज दो। अरे चुप, बोतने के पागल खाने भेजेंगे तेरी अम्मा को, जिसने तेरे जैसा पागल बेटा पैदा किया है। क्या किया है? पैदा किया है। अब जाता है या दो एक उल्टे हाथ। दुर्गा, ये लोग मुझे सताते हैं। अरे चाची, तू क्यों बाहर निकलती है जब तुझे मालूम है कि बदमाश छोकरे तंग करते हैं? अगर तुझे किसी चीज की जरूरत है मुझे बोल, मैं ला कर दूंगी। पर नहीं, मुझे किसी चीज की जरूरत नहीं। मैं तो बस अड्डे पर जा रही थी अपने बेटे राजू को देखने के लिए। ना मालूम वो कौन सी बस से आएगा, मुझे ना देखकर वो वापस चला जाएगा ना। अरे चाची, वो आएगा तब वापस जाएगा ना। नहीं नहीं, वो जरूर आएगा। सब लोग ऐसा बोलते हैं, तू तो मत बोल। लोग मुझे पागल समझकर पत्थर मारते हैं। तू ही है जो मुझे इन जानवरों से बचाती है। इसलिए कि मैं जानती हूँ कि मेरी चाची पागल नहीं है। पागल तो ये सारे गांव वाले हैं जो ये भी नहीं समझते जिस माँ का इकलौता बेटा उसे अकेले छोड़कर चले जाए उसकी हालत क्या होगी। अरे ऐसा कभी हुआ है? कौन माँ अपने बच्चों को नहीं डांटती? मैंने थोड़ा सा गुस्सा किया तो वो घर छोड़कर चला गया। उसने ये भी नहीं सोचा कि मैं उसके बिना कैसे जीऊंगी। मुझे 20 बरस हो गए उसे ढूंढते ढूंढते, वो कब आएगा? दुर्गा, ये बस शहर से आई है, इसमें मेरा बेटा राजू होगा। मैं जाती हूँ, देखती हूँ उसे। अरे चाची, राजू। पंजारा, आज बस स्टैंड पर मैंने तुम्हारी बेटी दुर्गा को देखा। काफी भीड़ इकट्ठी थी और वो तमाशा दिखा रही थी। बेवकूफ है, जिद्दी है। कहते हैं कि वो मेरा रुपया नहीं लेंगे क्योंकि ये पाप की कमाई है।
और खुद सड़कों पर भीख मांग कर गुजारा कर रहे हैं। मरने दो, उनकी किस्मत में यही लिखा है तो मैं क्या कर सकता हूं। जाओ तुम खाना खा लो। तुम नहीं खाओगे? नहीं, मुझे भूख नहीं है। भूखे पेट ये लड़ाई कैसे लड़ोगे बंजारा? ना तो हमारे पास आने जाने का कोई साधन है, ना खाने के लिए कुछ है, और ना ही हथियार है। मैंने उसका इंतजाम कर लिया है, मैंने सोच लिया है, आज रात को हम ठाकुर धर्मपाल सिंह के गांव में जाएंगे। सब ठीक है? हाँ सब ठीक है। जान प्यारी है तो लाठी फेंक कर इधर आ जाओ। चलो चलो इधर। मंजारा तुम जेल से कब छूटे? छूटा नहीं, भाग कर आया हूँ तेरे मालिक से बदला लेने के लिए। चलो गोदाम खोलो। गोदाम खोला तो मालिक मुझे मार डालेंगे। नहीं तो मैं तुझे मार डालूंगा। चलो चल खोल। बोरियां बाहर निकालो, मैं घोड़े लेकर आता हूँ। ठीक है। घोड़े? बंजारा हमारी नौकरी चली जाएगी। अरे उस हरामजादे की नौकरी क्यों करते हो हराम खोरो? आओ चलो बोरियां निकालो। घोड़े ले चलो जल्दी। जल्दी ला दो सब। निकल चलो। यह कैसे हो सकता है? बंजारा तो अभी जेल में है। मालिक मैं आपके चरणों की सौगंध खा के कहता हूं वो बंजारा ही था, मैंने अपनी आंखों से देखा। मुंशी जी ये बंजारा जेल से छूटा कैसे? उसकी सजा तो अभी बाकी है। वो जेल से भाग आया है। अगर बंजारा वाकई जेल से फरार हो गया तो हमारे लिए बहुत खतरा बन सकता है, उसका इंतजाम करना होगा। मुझे जी एक काम कीजिए, शहर से फौरन विनोद को बुलवाइए और उससे कहिए कि आते वक्त साथ में ऐसे लोगों को लेकर आए जो जिंदगी को मौत में बदलने में ज्यादा वक्त न लगाते हो। मैं समझा नहीं हुजूर। मुंशी जी बंजारा कानून से भागा हुआ मुजरिम है, यही मौका है उसे खत्म कर देने का। इसे सांप भी मर जाएगा और कानून की लाठी हम तक पहुंचेगी भी नहीं। कि तुम क्या कह रही हो नंदिनी? मैं ठीक कह रही हूँ दुर्गा, तेरे बाबा की जान खतरे में है। इसी बात का मुझे डर था। मैंने बाबा को बहुत समझाया लेकिन वो नहीं माने और वो गलत रास्ते पर चल पड़े। मगर तेरे बाबा ने ऐसा क्यों किया? नंदिनी तुम्हारी बचपन की सहेली है, मैंने तुझे सहेली से ज्यादा बहन समझा है। मैं तुझसे झूठ नहीं बोलूंगी। कल रात बाबा आए थे और वो कह रहे थे उन्हें गलत रास्ते पर चलने के लिए तेरे पिताजी ने मजबूर किया है। मेरे पिताजी ने? हाँ वो कह रहे थे तेरे पिताजी ने झूठी गवाही के बल पर उन्हें जेल भिजवा दिया था, इसलिए उनसे बदला लेने के लिए बाबा ने ये रास्ता अपनाया। मैंने उन्हें बहुत समझाया, मिन्नतें की, लेकिन उन्होंने मेरी एक नहीं मानी। मगर मेरे पिताजी मेरी बात जरूर मानेंगे, मेरे होते हुए ये खून खराबा नहीं हो सकता, मैं उन्हें ऐसा करने से रोकूंगी। क्या बात करती है नंदिनी, हम और बंजारा को भूल जाएं? हम ठाकुर धर्मपाल सिंह जिसके सामने सारा जमाना सर झुकाता है, उस दो कौड़ी की गुलाम की मजाल क्या हमारे खिलाफ बगावत की आवाज उठाए? लेकिन पिताजी पहली गलती आपकी। हमारी किताब में गलती का लफ्ज ही नहीं है, हम गलत करें तो सही कहलाता है और जुल्म करें तो इंसाफ कहलाता है। तुम हमारी बेटी हो और अज्जात हो, इसलिए तुम्हें घर के मामले में उलझा रहना चाहिए,
हमारे दुश्मनों की वकालत करने की कोई जरूरत नहीं तुम्हें। लेकिन फिर भी पिताजी। जाओ यहाँ से। भैया, हाय भैया, हाउ आर यू? आओ विनोद। हाय नंदनी, क्या हुआ इसे? कुछ नहीं, जरा नाराज है। विनोद जी, ये किन लोगों को पकड़ लाए हो? ये तो शक्ल से चोर उचके लग रहे हैं। अरे क्या बात करते हो भैया, इन लोगों ने इतना पानी नहीं पिया होगा जितना इन लोगों ने खून बहाया है। अरे हाँ भैया, ये कातिलों के कातिल हैं। जब तक किसी का खून न कर ले, इन सालों को खाना हजम नहीं होता है। ठाकुर साहब। कौन है? सरकार, मैं हूँ आपका खानदानी हजाम, हजामत लाल, उस तरह पूरी साबुन लगा के। ये बेवक्त कैसे आना हुआ? आपका बुरा वक्त देखकर। क्या वक्त है बे? कैसे जबान कतर दूंगा मैं? अरे कैची आपकी है, जबान आपकी है, मैं आपका हूँ, कतर दीजिए। मगर सरकार, ये बात मेरी समझ में नहीं आई। ये सुना था कि लोग घोड़े बेचकर सो जाते हैं, मगर आप जागे हुए, आपके घोड़े बिक गए। अबे कौन से घोड़े? वही जो आपके थे, मैंने देखा उन घोड़ों को कुछ लोग लिए हुए चले जा रहे थे। मेरा गला है, सुपारी नहीं है, जिसको आपने अपने हाथ के सरोते में दबोच लिया है। मेरा गला छोड़िए तो मैं बोलूं। छोड़िए, विनोद छोड़ो उसको। छोड़ो, बोला जा मतलब क्या हुआ? गले की नली की गली छूटी, अब बात छूटेगी। बोल। तो हुआ यूं सरकार कि वो जो दुर्गा प्रसाद जी है ना, जानते होंगे रायपुर वाले, उनके भाई के लड़के का मुंडन था। अब मुंडन हो और मुझे ना बुलाएं, बुलावा आया। मैंने कहा क्यों नहीं जाएंगे, जरूर जाएंगे। कैंची की रफ्तार से सरकार में चल पड़ा, शकाक 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 चला जा रहा था। वक्त होगा 10 बजे होंगे, नहीं नहीं 10:30 बजे का वक्त था, 11 बजे थे। सूरज आज अबे बोलेगा कि नहीं? सरकार मुझे कहानी सिलसिलेवार सुनाने की आदत है, आप बीच में वार ना कीजिए, सिलसिला टूट जाता है। हाँ तो हुआ यूं के बीच में मुझे पंडित ध्रुपद धमाल जी मिल गए, मुझसे कहने लगे कि मैं भी साथ चलूं, 1 से भले 2, 2 से भले 4, मंजिल अपनी दूर है और रास्ता करना पार। मैंने कहा चलिए चलिए, साथ में चलिए, क्या हर्ज है, हम दोनों चल पड़े। हम चले जा रहे थे, धूप बोले मेरा काम, गर्मी बोले मेरा काम, और प्यास बोले मेरा काम। अगर तूने बात नहीं बताई तो फिर गोली मारना मेरा काम। नहीं, अरे सरकार गोली मत मारिएगा, ले दे के जमाने में एक ही पीस रह गया हूँ, वरना इस तरह का उस तरह कौन चलाएगा, आपकी हजामत कौन बनाएगा सरकार? बताता है कि नहीं? बताता हूँ सरकार। जब मैं वापस आ रहा था तो मैंने देखा कुछ लोग आपके घोड़ों पर सवार फुदलक 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 काली घाटी की तरफ चले जा रहे हैं। तुम अपने आदमी को लेकर फौरन काली घाटी की तरफ चले जाओ। नहीं भैया नहीं, बंजारा तो अब तक भागकर पता नहीं कहां तक चला गया होगा, लेकिन आप फिक्र मत कीजिए, मैं दुश्मन को दुश्मन के हथियार से मारूंगा। क्या मतलब? मैं आसपास के गांव में बंजारा के नाम का ऐसा आतंक फैला दूंगा कि पुलिस शिकारी कुत्तों की तरह उसके पीछे पड़ जाएगी। मगर ये होगा कैसे? वो आप मुझ पर छोड़ दीजिए। ज्यादा होशियारी की तो फिर जान से हाथ तो बैठो। बंदूक उठाओ, घर में जो कुछ भी है चुपचाप सामने लाओ। सब मेरे पास कुछ भी नहीं बंजारा, ये झूठ बोलता है। लगता है तुझे अपनी जान प्यारी नहीं। नहीं नहीं, इन्हें छोड़ दीजिए, मैं तुम्हारे के हाथ जोड़, तुम्हें रुपया पैसा चाहिए मैं देती हूँ। और जेवर में? हाँ, हाँ, सब दे। आपको पूरा विश्वास है कि आपके घर में डाका बंजारा नहीं डाला है? और कौन हो सकता है इंस्पेक्टर साहब? अब आप मान लीजिए कि बंजारा डाकू बन चुका है, और अगर आपने बहुत जल्द उसके खिलाफ कोई कदम नहीं उठाया तो वो हम सबको लूट लूट के खोखला कर देगा, क्योंकि उसकी जबान को दौलत का खून लग चुका है। ठाकुर साहब, मुझे आपके साथ बड़ी हमदर्दी है, जब मुझे पता चला कि आपके साथ ये वाकया गुजरा है तो मैं खुद दौड़ा और आपके घर गया। आप जैसे दोस्तों से मुझे यही उम्मीद थी। इंस्पेक्टर साहब, उस इंसानियत की हड्डियां चबा चबा कर खाने वाले बदमाश बंजारा के लिए आपने क्या किए? जो कुछ हमारे अख्तियार में है हम करेंगे, हम अपनी सारी ताकत लगा देंगे। हम आपको यकीन दिलाते हैं कि बंजारा को हम जल्द से जल्द गिरफ्तार करेंगे। चुप उठा लो ना।
कहीं नहीं जाऊंगा, तुम्हारे पास रहूंगा, तुम्हारी सेवा करूंगा। राजू, 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 बेटा, कोई कहता था कि तू फौज में चला गया है। हाँ माँ। फौज में जाने की क्या जरूरत थी बेटा? अरे बस ऐसे ही माँ, घर चलो बताता हूँ। चल, घर को चल। ऐसी ही और सदाबहार फिल्में और गाने देखने के लिए आज ही डाउनलोड करें शिमारूमी और सब्सक्राइब करें क्लासिक पैक।